जरूरतमंदों की मदद की सीख देती हैं। ईद उल फित्र के मौके पर नमाज अदा करने के बाद जनसेवा टीम और बरेली हज सेवा समिति सुबह से ही जरूरतमंदों को राहत सामग्री देने के लिए शहर के अलग अलग मोहल्लों के अलावा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए झुमका सिटी स्थल, बरेली जंक्शन, रेलवे स्टेशन आदि जगहों के अलावा राहगीरों को ईद के तोहफे के तौर पर मदद दी। इस मौके पर जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी, बरेली हज सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हाजी साकिब रजा खान, निक्की वर्मा, अनवर शमीम, उवैद खान, इदरीस खान, हरजीत सिंह, अनुराग वर्मा, राशमी खान, शिरोज सैफ कुरैशी, आफीन अली खान, निहाल आदि शामिल रहे। क्या नाम है आपका? साकिब रजा। आज सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आज जिस तरीके से सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ईद की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी, मस्जिदों में कहीं भीड़ नहीं लगी, शासन का, प्रशासन का और हमारे रहनुमाओं ने जो अपील करी थी उसका पूरा पूरा पालन हुआ है। कल चांद रात थी, चांद रात पे भी सभी लोगों ने अपील करी थी कि आप लोग भीड़ ना लगाएं, उसी तरीके से कल बाज़ारों की रौनक नहीं कहीं बढ़ी, कहीं कोई मार्केट नहीं खुली, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया और सभी लोग अपने अपने घरों पर रहे। आज हम लोग पूरे शहर के अंदर ईद के मौके के ऊपर खाना वितरण करने निकले हैं। जो मजदूर हमारे आ रहे हैं उन्हें खाना वितरण, जो लोग रोड पर मिल रहे हैं और गरीब लोग हैं उन्हें खाना वितरण कर रहे हैं, और ये काम पिछले लगभग एक डेढ़ महीने से चल ही रहा है। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि ईद का मौका है, अभी दो दिन ईद और भी रहेगी, तो सभी लोग गरीबों की बहुत मदद करें जितनी मदद हो सकती है। दूसरी चीज़ ये, हम लोग सैनिटाइजिंग का भी काम कर रहे हैं शहर के अंदर, तो आप लोग से गुजारिश है कि ईद में घर पर ही रहें और इस तरीके के गरीबों की मदद के लिए कार्य करते रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम पम्मी वारसी है, हम लोग समाज सेवी हैं। हमारी जो टीम है काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है सोशल वर्क, ताकि समाज की सेवा हर ईद में हो सके। सैनिटाइज हम लोग दिन में करते हैं, उसके बाद साकिब भाई उनकी पूरी टीम, इमरान नदीम भाई वगैरह, ये लोग लोगों को खाना भी उपलब्ध कराते हैं ताकि कोई भूखा ना सो पाए। ये कोशिश है, सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि अपना जो भी समय निकाल के थोड़ा इन लोगों को भी और ध्यान दें, ताकि कोई भी आदमी शहर में भूखा ना सोए, और जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं शहर में उनको रोज़गार भी ख़त्म हो चुका है, तो उनकी भी हमें देखभाल करना है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।